तुम्हारी परसेंटेज कम आ गई, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाबा एग्जाम में फेल हो रहे हो। माना कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाई है, सबके जीवन में कठिनाई आती है, कठिनाई उनके जीवन में भी आई थी जो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों की लिस्ट में आते, पर हमें कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि सूरज और चांद दोनों का निकलने का समय अलग होता है। हर किसी के जीवन में कठिनाई आती है, हर किसी को उन्हें झेलना पड़ता है। हम उस सोने की तरह है जिसको जितनी अग्नि में तपाएंगे, जितना उसे आग में रखेंगे, वो उतना ही उभर के आता है। जितनी हमारी जिंदगी में कठिनाई आएंगी, जितने हम परेशान होंगे, उतने ही ज्यादा हम उभर के आएंगे। जो लोग तो हमें तंग करते हैं, ये कहते हैं कि तुम पढ़ नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, उनसे ये कह दो सबका टाइम आता है, मेरा भी आए। और जब हमारा टाइम आएगा तो वो लोग जो हमारे बारे में बुरा भला कहते थे, वो ये देखकर चक जाएंगे कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। एक बार एक टॉपर से पूछा गया कि उनकी इतनी ज्यादा परसेंटेज कैसे आ जाती है। उसने जवाब दिया कि जब तक मेरे पूरे दिन का गोल पूरा नहीं होता, जब तक मैं सोता नहीं हूँ, जब तक मैं थकता नहीं हूँ, और जब तक अगर वो गोल पूरा नहीं होता तो उसे करने के लिए चाहे मुझे अगले दिन का सूरज देखना क्यों ना पड़ जाए, पर वो उसे पूरा करके रहता है। एक हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम सबसे ज्यादा बहाने ढूंढते हैं, और इन बहानों में ही हमारा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिससे हम उस चीज को करने में लगाते तो हम बहुत अच्छे हो जाते। एक बात हमेशा याद रखना, अगर बहाने बनाते रह गए ना, जो लोग तुमसे पीछे थे वो आगे चले जाएंगे और तुम इतनी पीछे रह जाओगे कि तुम्हारी सारी उम्र चली जाएगी, पर तुम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे जिसके बारे में तुमने सोचा था, जिसके सपने जो तुमने अपनी मम्मी पापा को दिखाए थे। एक बार उनकी आंखों में झांक के तो देखो, तुम्हारे लिए उन्होंने कितने बड़े लक्ष्य सोच रखे, कितने बड़े बड़े सपने देखे कि तुम्हें डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पर तुम्हें तो बहाने देने से ही फुर्सत नहीं है कि आज स्कूल में कोई कुछ काम नहीं कराया, या फिर टीचर एब्सेंट थी, या कुछ भी बहाने बना लेते हो जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, और ये सोचते हो कि उन्हें उन बहानों से तुम्हारे मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा। अरे इस लॉकडाउन में टाइम तो बहुत है, पर तुम्हें उसका यूज करना नहीं आता। अगर उस टाइम को अच्छी तरह से यूज करोगे तो कभी पीछे नहीं रहोगे। जो लोग तुम्हारी गलती की वजह से जो तुम से आगे निकल गए थे ना, वो भी पीछे रह जाएंगे अगर लॉकडाउन में तुम समय का यूज करना सीख गए। अरे अपना एक अलग टाइम टेबल बनाओ, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ जिसमें तुम ये गोल सेट कर लो कि अगर आज मैंने ये काम नहीं किया तो मैं जब तक ये काम होगा नहीं, जब तक मैं सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं। खाने से ज्यादा अपनी पढ़ाई को महत्व दो। अगर वो काम तुम्हारी खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जिससे तुम्हारा फ्यूचर बन सकता है, अपने माँ बाप के सपनों को हमेशा पूरा करने की सोचो। वो तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े सपने देखते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, पर उससे तुम्हें क्या मतलब। तुम्हें तो बस ये याद है कि शाम को 5 बजे खेलने जाना है और 7 बजे वापस आना है, और ये बहाना दे देना है कि हम पढ़ लिए। अगर मेरी इस कई बात एक भी दिल पे लग गई है तो इस वीडियो को लाइक करो, बुरी लगी हो तो